देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर यह है उत्तर प्रदेश का एक कस्बा पिलखुआ, एक आम और शांत सा शहर पिलखुआ। यह शहर चादरों और तौलियों की रंगाई के लिए मशहूर है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस छोटे से शहर में कभी रहता था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ और खूंखार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा। पिलखुआ का ये वही घर है जिसकी छत के नीचे न जाने कितने बम धमाकों की साजिशें रचता रहा अब्दुल करीम टुंडा, और घर के बाहर मोहल्ले की ये वो गलियां हैं जहां सैकड़ों बेकसूरों का खून बहाने के बाद भी बेखौफी से घूमता रहा है टुंडा। आखिर एक छोटे से शहर का बाशिंदा अब्दुल करीम कैसे एक खूंखार और खतरनाक आतंकवादी टुंडा में तब्दील हो गया, और कैसे जुड़ा टुंडा का डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन? अब्दुल करीम टुंडा की इस पूरी कहानी से व्यक्ति विशेष में पर्दा उठाएंगे हम आज, और आपको ये भी बताएंगे कैसे डॉन दाऊद इब्राहिम का कट गया है दाहिना हाथ। सत्तर साल की पकी हुई उम्र में आज भले ही अब्दुल करीम टुंडा बेहद कमजोर नजर आता है, लेकिन 90 के दशक में इसने अपनी खौफनाक साजिशों से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को थर्रा कर रख दिया था। ये वही अब्दुल करीम टुंडा है जो देश के कई इलाकों में खेलता रहा आतंकवाद का खूनी खेल, लेकिन टुंडा का खेल अब खत्म हो गया है। 16 अगस्त को नेपाल बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने टुंडा को धर दबोचा था, और अब टुंडा उगल रहा है डॉन दाऊद इब्राहिम के एक एक राज। हमारे पीछे ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का वही ऑफिस है जहां पर टुंडा को रखा गया है, और सवालों का दौर जारी है। जो महत्वपूर्ण बात पिछले 24 घंटे में सामने आई है टुंडा से पूछताछ के दौरान, वो ये कि टुंडा ने साफ किया है कि अब्दुल करीम टुंडा ने ही दाऊद इब्राहिम को पहली बार हाफिज सईद से मिलवाया था सन 2002 में। सेल को टुंडा ने यह भी बताया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, कराची में ही है, और आईएसआई ने उसे ज्यादा मूवमेंट करने के लिए मना करके रखा है, इसलिए दाऊद जो है पाकिस्तान में ही बना रहता है। कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी टुंडा अब डॉन के राज उगल रहा है। वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का भी नंगा सच बयान कर रहा है, लेकिन टुंडा के गुनाहों की उस दास्तान से पहले पड़ताल उस बात की कि कैसे पिलखुआ का एक आम शहरी अब्दुल करीम बन गया खूंखार आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा। मैं काफी छोटा था उस टाइम पे, 20 साल पुरानी बात है, तो जब तो उनकी एज भी ऐसी थी कोई 50-60 के लगभग थी उस टाइम पे भी एज उनकी, लेकिन हमने उन्हें एक बार इधर नहाते हुए देख लिया था लुंगी बांध, तो उनके एक तो यहाँ रसोली टाइप थी कुछ पेट पर, और उनका बचपन से हमने लेफ्ट हैंड कटा हुआ देखा था। करीब 3 लाख की आबादी वाले पिलखुआ के अशोक नगर इलाके में आज भी लोग अब्दुल करीम को टुंडा के नाम से ही ज्यादा पहचानते हैं। यह अलग बात है कि अब्दुल करीम टुंडा ने पिलखुआ को करीब 20 साल पहले 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद ही अलविदा कह दिया था। पिलखुआ से निकलकर टुंडा कहां गायब हो गया था ये भी बताएंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए टुंडा की कहानी खुद उनके भाई की जुबानी। तो बचपन से शरारती थे, अपना जो है स्कूल वगैरह में से ही शरारत थे, तो अपनी शादी आदि हो गई, कुछ दिन अपनी ज़िंदगी सही गुजारी, उसके बाद में यहाँ से दूसरे शहरों में अपना ज़िंदगी गुजारी, उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा उनका, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी है, क्या समाज ने उसकी छुट्टी दिया है। करीब 25 साल पहले तक पिलखुआ में लोग अब्दुल करीम टुंडा को एक कारपेंटर के तौर पर पहचानते थे। पिलखुआ में ही उसकी शादी हुई थी और यहाँ उसका फर्नीचर का कारोबार भी ठीक ठाक ही चलता था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फर्नीचर बनाते बनाते अचानक टुंडा बन गया हकीम, और उसने लोगों को होम्योपैथी की दवाई बेचने का काम भी शुरू कर दिया। काम तो इसका खास तौर से कारपेंटरी का था, और कारपेंटरी करने के साथ साथ ये फिर दवाइयों के डॉक्टर बन गए, होम्योपैथिक वगैरह का ये सप्लायर हो गए। बताया जा रहा है कि शादी अभी दो की थी इन्होंने, दो शादियाँ की थी,
हाँ शादी तो आदमी चार भी कर लेता है, छह भी कर लेता है। अब आवारा कर दी मैं, उन्होंने यहाँ भी करी एक शादी, तो मेरे साथ ही हुई थी, मेरी बड़ी साली है जी। एक शादी उन्होंने अपनी मर्जी से कहीं अहमदाबाद वगैरह में जाकर। यूं तो ऊपरी तौर पर लोगों की नजरों में अब्दुल करीम टुंडा की फैमिली लाइफ सुकून से गुजर रही थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर मचल रहा था आतंकवाद का एक खतरनाक तूफान। और इसीलिए एक दिन अब्दुल करीम टुंडा पिलखुआ से गायब हो गया और जा पहुंचा अहमदाबाद, जहां उसने एक और शादी रचाई। टुंडा ने क्यों छोड़ दिया अपना वतन पिलखुआ, वो भी बताएंगे आपको आगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे कारपेंट्री की आड़ में उस वक्त टुंडा देश की राजधानी दिल्ली में मचा रहा था कोहराम। 97 में तो ये था कि 2 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ, सॉरी पहले 29 सितंबर को ब्लास्ट हुआ था, फिर 2 अक्टूबर को हुआ, फिर दशहरा था 10 अक्टूबर को, उसको ब्लास्ट हुआ, फिर दिवाली को ब्लास्ट हुआ, एक के बाद एक थी। 1996, 1997 और 1998 दहशत के वो 3 साल जब एक के बाद एक राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बम ब्लास्ट होने लगे। दिल्ली में निशाना बने भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, कोड़िया पुल, रानी बाग, रामपुरा। इतना ही नहीं, खचा खच भरी बसों में दर्जनों बम धमाके हुए। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों में ब्लास्ट हुए। धीरे धीरे ये ब्लास्ट पूरे उत्तर भारत में होने लगे। दर्जनों बेगुनाह लोग मारे गए और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए। इन सभी धमाकों की जांच में करीब 2 साल बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब उसने कामरान और मूसा समेत 4 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया। और इन्हीं आतंकवादियों ने पुलिस को पहली बार बताया कि वो बांग्लादेश के एक मदरसे में पढ़ते थे, जहां उन्हें बाबा नाम के एक शख्स ने खास तौर पर बम बनाने की ट्रेनिंग देकर भारत भेजा था। ये बाबा कौन था और वो क्यों दिल्ली को तबाह करना चाहता था? पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो राज खुला कि इन धमाकों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था और इसकी साजिश को अमली जामा पहनाया था बाबा ने। ये बाबा कोई और नहीं बल्कि यूपी के पिलखुआ का रहने वाला अब्दुल करीम टुंडा ही था। आपको क्या लगता है कि जो आपके भाई हैं वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं या कहीं ना कहीं आरोपी उन्हें आप मानते हैं? आपकी नज़र में क्या लगता है? तो मैंने तो नहीं देखा कि वो आरोप करते हुए या किसी ने भी देखा आरोप करते हुए, तो कोर्ट या उसकी जो है गतिविधियां साबित करेंगी। हमें क्या पता कि हम गतिविधियां, जब हमें पता होता तो हो सकता था हम ही पहले ही गिरफ्तार करा दे। पुलिस के मुताबिक भारत में एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पकड़े जाने के डर से टुंडा 20 साल पहले पिलखुआ से फरार हो गया। उसने अहमदाबाद में नया ठिकाना खोजा, वहीं उसने दूसरी शादी भी की, नई गृहस्थी बसाई। लेकिन इधर उधर भागते हुए उसकी खौफनाक साजिशों को अंजाम देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो लगातार इसी फिराक में रहा कि भारत में किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। परिवार हमसे दूर था, करीब 1 किलोमीटर दूर मंडी में रहता है वो, और जिस वक्त वो फरार हुए थे तो अकेले फरार हुए थे, और बाद में बच्चों को किस तरह लिया उन्होंने, किस तरह अपना साथ लेकर गए, ये हमें मालूम नहीं। उन पर पहली बीवी से 5 बच्चे थे और दूसरी बीवी से 1 बच्चा था। बड़े का नाम तो इरफान था, उनसे छोटे का इमरान और एक का मुन्नान, और एक 2 लड़की थी, एक का नाम सीमा और एक का नाम राशिदा। और जो दूसरी बीवी थी अहमदाबाद वाली, उनसे 1 लड़का था, उसका नाम गुफरान था। 80 के दशक में टुंडा उत्तर प्रदेश के पिलखुआ के इसी कस्बे में होम्योपैथिक डॉक्टरी कर रहा था। बाद में वो अहमदाबाद और फिर मुंबई में जाकर बस गया। लेकिन मुंबई के पास भिवंडी में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद टुंडा तंजीम इस्लाहुल मुसलमान नाम की एक संस्था का सदस्य बन गया। यहीं पर वो पहली बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सीधे संपर्क में आया। ISI ने टुंडा को लश्कर तैयबा के कमांडर आजम चीमा से मिलवाया और उसके बाद से ही टुंडा लश्कर तैयबा के लिए काम करने लगा। टोटल ब्लास्ट थे 42, और इसमें जब अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन हुआ था और पूरा केस खुला था, उसमें निकला था अब्दुल करीम टुंडा जो पिलखुआ का रहने वाला था, वो वहाँ से ऑपरेट करता था पाकिस्तान से और बांग्लादेश से।
वहां पर वो स्पॉट करता था लोगों को और उन स्पॉट करके उनको भेजता था। आजम चीमा रहा हो या हाफिज मोहम्मद सईद, जकीउर रहमान लखवी, वधावा सिंह और अब्दुल अजीज एलियस बड़ा साहिब, इन सबके साथ उसकी एसोसिएशन आई है। भारत में आतंक की कई साजिशों को अंजाम देने के बाद टुंडा बांग्लादेश फरार हो गया और बांग्लादेश में लश्कर ए तैयबा के इशारे पर वो भोले भाले लोगों को गुमराह कर उन्हें आतंकवाद की राह पर ढकेलने लगा। अब्दुल करीम टुंडा, ये वो नाम है जो भारत में आतंक की कई साजिशों को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश फरार हो गया था और फिर जुर्म और आतंक की जहरीली दुनिया में तरक्की करके वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ बन गया। लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है कि डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकी टुंडा के आतंकवाद की दास्तान 90 के दशक में करीब करीब एक साथ ही शुरू हुई थी, लेकिन जगह दोनों की अलग। टुंडा और दाऊद के बीच कनेक्शन भी काफी बाद में पाकिस्तान में जाकर जुड़ा। कैसे और कब दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया था अब्दुल करीम टुंडा, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए 90 के दशक में कैसे दाऊद और टुंडा ने शुरू किया था आतंकवाद का सफर। अब्दुल करीम का एक हाथ एक्सप्लोसिव बनाते हुए बांग्लादेश में उड़ गया था तो उसको अब्दुल करीम टुंडा नाम दे दिया गया था। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है बहुत बड़ा, 40 केसेस बॉम्ब ब्लास्ट में दिल्ली में उसकी वांटेड है, दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ISI का ट्रेंड है, दाऊद इब्राहिम का करीबी है और UAE जैसी जगहों पर छुपा हुआ था। यहां से वहां बांग्लादेश में बहुत सालों तक छुपा रहा। करीब 27 साल पहले की बात है, 1981 से 1985 के बीच मुंबई के इसी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के लिए दाऊद इब्राहिम एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, क्योंकि यही वो वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग को खत्म कर दाऊद बन गया था डॉन। इस दौरान दाऊद मर्डर के दो केस में पुलिस की गिरफ्त में भी आया, लेकिन जब मई 1984 में पीरजादा नवाब खान के मर्डर केस में उसे अंतरिम जमानत मिली तो दाऊद फरार हो गया और फिर दुबई में बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाने लगा मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग, वसूली, हवाला और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अपना काला कारोबार। इब्राहिम जहां तक पता चला था वो 85-86 में भारत से भाग गया था, जबकि वो स्मगलिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और पुलिस का प्रेशर होने की वजह से वो भारत से दुबई चला गया और वहीं से वो ऑपरेट कर रहा था। और जब बम ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी हुई तब भी वो दुबई में था। डॉन का काला धंधा दुबई में भी चमक रहा था, लेकिन तभी आया वो काला शुक्रवार जिसने डॉन दाऊद इब्राहिम को एक आतंकवादी में तब्दील कर दिया। 12 मार्च 1993 को जब मुंबई सीरियल बम धमाकों से दहली तो उसकी साजिश के पीछे से निकला डॉन दाऊद इब्राहिम का चेहरा और उसके बाद दाऊद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में भी बन गया मोस्ट वांटेड आतंकवादी। बम ब्लास्ट होने के बाद जब इन लोगों का नाम सामने आया, ये पता चला कि ये लोग इन्वॉल्व हैं कॉन्स्पिरेसी में बम ब्लास्ट कराने में, तब ये सब लोग दुबई छोड़कर पाकिस्तान चले गए। और जहाँ तक ये हमें सूचना है ये उसके बाद फिर पाकिस्तान में ही है। 90 के दशक में पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम आतंकवाद की राह पर कदम आगे बढ़ा रहा था और इधर भारत में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बम धमाके कर दहशत फैला रहा था। लेकिन जब टुंडा भारत से फरार होकर बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान पहुंचा तो बन गया डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे खासम खास। ये दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके दाऊद इब्राहिम का जो बड़ा भारी गैंग इंडिया में काम कर रहा है उसकी मदद करता था, तो दाऊद इब्राहिम का करीबी है, ISI का ट्रेंड है। और इसमें एक बहुत तस्वीर आ रही है सामने बहुत क्लियर, ISI दाऊद इब्राहिम और जितने ये क्रिमिनल गैंग्स हैं चाहे वो बांग्लादेश में हो आतंकवादी, चाहे पाकिस्तान में हो जैश ए मोहम्मद, ये सब एक लिंक्ड हैं और
टुंडा सबके साथ मिलकर काम कर रहा था। पिलखुआ में रंगाई और छपाई में काम आने वाले केमिकल को अब्दुल करीम टुंडा ने बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया और बाद में इसी कला को उसने लश्कर के आतंकवादियों को मुंबई, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग दी। खुफिया सूत्रों की माने तो एक ऐसी ही ट्रेनिंग के दौरान बम बनाते हुए अब्दुल करीम टुंडा ने अपना हाथ गंवा दिया था, जिसके बाद से लोग उसे टुंडा के नाम से जानने लगे। यानी पिलखुआ का डॉक्टर अब्दुल करीम बन गया दुनिया भर की पुलिस के लिए अब्दुल करीम टुंडा। अब्दुल करीम टुंडे ने 4 CD तैयार की थी। उन CDs में पूरे तरीके थे कि आप माचिस की तिल्ली से क्या बना सकते हो, घर में जो केमिकल अवेलेबल है उसे कैसे बम बना सकते हो, ये सारी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती थी। अब्दुल करीम टुंडा पाकिस्तान में जहां लश्कर के आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, वहीं डॉन दाऊद इब्राहिम के नकली नोटों का कारोबार भी संभालता था। और अब गिरफ्त में आने के बाद खुद टुंडा ने भी कबूल किया है कि उसने 2002 में डॉन दाऊद की लश्कर चीफ हाफिज सईद से मुलाकात भी करवाई थी। टुंडा ये भी राज खोल रहा है कि दाऊद आज भी कराची में ही मौजूद है। आतंकी टुंडा दाऊद इब्राहिम के और भी कई राज खोल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब होगा डॉन दाऊद इब्राहिम के गुनाहों का हिसाब? क्या टुंडा की तरह कभी डॉन दाऊद इब्राहिम भी आएगा देश के हाथ?